शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी और उनके समर्थकों पर एक दर्जन से अधिक लोगों पथराव कर दिया। पथराव की इस घटना में भाजपा प्रत्याशी समेत 6 समर्थक घायल हो गए। इसके अतिरिक्त करीब 8 से 10 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। लोधी ने इस घटना का आरोप शिवपुरी से कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह काजू पर लगाया और कहा कि कांग्रेस हार के डर से हताश हो गई है। जानकारी के अनुसार सुबह के समय पिछौर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी अपने समर्थकों के साथ ग्राम करारखेड़ा में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान लगभग 2 दर्जन की अधिक संख्या में अज्ञात ग्रामीणों ने प्रीतम लोधी और उनके समर्थकों पर पथराव कर दिया। आज पत्रकार महोदय जी ग्राम पंचायत करारखेड़ा में जनसंपर्क के दौरान हमारी सभी साथियों पर पथराव भी करवाया, हवाई फायरिंग भी करवाई और बहुत सारे लोगों को पत्थरों से चोटें चोटिल भी आए हैं और कुछ लोगों में लाठी डंडों से भी प्रहार करवाया है। पूर्व विधायक कृष्णपाल सिंह चौहान जो करारखेड़ा के रहने वाले हैं और अभी शिवपुरी विधानसभा से वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं जी, और उनके गृह ग्राम में आज उनके समर्थकों ने हमारे सभी समर्थकों पर पत्थर डंडों और लाठियों से प्रहार करवाया। ये गाड़ियों की भी पूरी हालत खराब कर दी और हमारी भी, और मैं स्वयं इस वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हूँ, निर्वाचित पदाधिकारी हूँ, मेरी गाड़ी पे भी उनने पत्थरों से प्रहार करवाया और हवाई फायरिंग भी करवाई उन्होंने। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।